मौली, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, भारतीय संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण महत्व है। यह एक लाल या सफ़ेद धागे की चूड़ियां होती हैं, जिसे पूजा के दौरान या शुभ अवसरों पर हाथ में बांधने का प्रचलन है। मौली का महत्व धार्मिक विश्वास से जुड़ा है। इसे बांधने से व्यक्ति की रक्षा, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की कामना की जाती है। यह रक्षा सूत्र का प्रतीक भी है, जो हर व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से सुरक्षित रखने का काम करता है। पूजा के समय मौली का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र में किया जाता है। मौली का भी देखें तो मौली में क्या होता है कि सबसे पहले राजा बलि को बांधी गई थी मौली, और तो इसलिए मौली को क्या माना जाता है, मौली को प्रतीक माना जाता है रक्षा का। बहुत जगह इसको रक्षा सूत्र कहते हैं, बहुत जगह इसको संकल्प सूत्र कहते हैं, कहीं इसको मौली कहते हैं, कहीं कलावा कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो मौली बंधन बांधने का मतलब है कि एक तो जब हम किसी ब्राह्मण द्वारा पूजा करा रहे हैं तो उसको ब्राह्मण को मौली बांधने का मतलब हम संकल्पित ले रहे हैं कि आज से आप हमारी पूजा का संकल्प करेंगे। दूसरा इसको रक्षा सूत्र, यानी जब भी आप इसको मौली को अपने कलाई पे बांध रहे हैं, दाहिनी कलाई पे ही बांधा जाता है, अगर वैवाहिक स्त्रियां हो जाती तो उनकी जो है उल्टे हाथ में बांधा जाता है, नहीं तो दाहिने ही हाथ में मुख्य तौर पे इसको बांधा जाता है। तो इसको बांधने का मुख्य क्या होता है, एक तो इसमें होते हैं तीन रंग, ठीक है, तीन रंगों में सबसे पहले रंग लाल है, पीला है, हरा है, ठीक है, तीन रंग इसके अंदर होते हैं। ये तीनों रंग क्या होता है, हमारे जो त्रिदेव होते हैं त्रिदेवों का प्रतीक है। भगवान की जो भी शक्ति है वो त्रिशक्ति है, त्रिशक्ति से ही भगवान की पति है और भगवान का ही सारा सार उसके अंदर है, तैतीस कोटि देवी देवताओं का वास उन्हीं के अंदर है। तो जब हम इसको बांध रहे हैं तो एक तो तीन देवों की शक्ति, तीन देव हमारी रक्षा के लिए तत्पर होते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, जब हम इसको यहाँ पर कलाई पे बांध रहे हैं, ब्राह्मण का आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होता है इससे, और भगवान की ये शक्तियां तो डेफिनेटली प्राप्त होती हैं। तो भगवान किसी भी प्रकार से अनिष्ट, जब हम पूजा के बाद इसको अपनी कलाई पे बांध लेते हैं तो किसी भी प्रकार की जो है अनिष्टता हो, किसी भी शत्रु वाला हो, किसी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी प्रकार के रोग हो, उनसे भी हमारा बचाव करती है। एक अगर इससे देखें तो हमारे आयुर्वेद में भी इसका बड़ा उल्लेख है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ हाथ से गुजरती हुई सारी नाड़ियों से आपके जो है सर पूरे संपूर्ण शरीर पे जा रहे हैं। तो जब आप इसको यहाँ पर बांध रहे हैं तो ये रक्त के संचार को बढ़िया करने वाला होता है, आपकी नाड़ियों से जुड़ी हुई जितनी परेशानियाँ होती हैं उनको बढ़िया करने वाला होता है, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रसार प्रसार करने के लिए सबसे बढ़िया होता है। इसलिए मौली बंधन का सीधा अगर आप अर्थ निकालेंगे तो यानी हम किसी रक्षा के सूत्र को बांध रहे हैं, यानी किसी भी प्रकार के अनिष्ट से, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से अपने को बचाने के लिए किसी ब्राह्मण के आशीर्वाद स्वरूप भगवान की शक्तियों के द्वारा मौली बंधन को बांधा जा रहा है, जिससे हमारी हर चीजों से रक्षा। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।